Hello students, how are you? Welcome to Talent Classes. Today we are going to learn science. इस नाले में कोई चैप्टर है ह्यूमन कोऑर्डिनेशन एंड इकोसिस्टम चैप्टर है, मतलब मानव का समन्वयन एवं पारितंत्र है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनवायरमेंट की, बात करते हैं तो व्हाट इज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, तो एनवायरमेंट को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। एनवायरमेंट ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक मिक्सचर्स ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब सभी जैव और अजैव अवयवों का जो मिश्रण है वो आपका एनवायरमेंट कहलाता है, और इससे जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। और भी जीवों ने इस पारितंत्र पे, इस एनवायरमेंट पे वर्क किया, लेकिन मनुष्य एक ऐसा था जिसने इस एनवायरमेंट को अपने अनुकूल बना लिया और उसमें सफलता काफी पाई। इकोसिस्टम भी, इकोसिस्टम पारितंत्र होता है और ये एनवायरमेंट पे ही डिपेंड होता है। जैसा हमारा एनवायरमेंट होता वैसे हमारा इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम कहते हैं पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इस दिन बात करते हैं कि किसी भी जीव समुदाय का अपने अजैव वातावरण के कारण के साथ एक समन्वय बनाना, यानी जीव समुदाय का अजैव वातावरण के साथ एक समन्वय बना लेना एक पारितंत्र कहलाता है, एक पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। इस दिन ये भी दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जैव अवयव, जैवी अवयव, और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं अजैव या अजैवी अवयव। बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं इसमें तीन टाइप होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डीकंपोजर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कस करते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो स्वयं पोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें हमारे ट्रीज आ जाएंगे, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की, बात करते हैं कंज्यूमर्स में क्या होते हैं। कंज्यूमर्स वो होते हैं परपोषी, जिसमें हम लोग आते हैं, और ये तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में चूहा टिड्डा ये सब आते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी होता है इसमें सांप मेंढक आते हैं, और टर्सरी में हम लोग आ जाते हैं, यानी तृतीय उपभोक्ता में हम लोग आते हैं। डीकम्पोजर्स वो होते हैं, कोई चीज मर जाती है, कोई जीव मर जाता है तो उसमें क्या होते हैं, बहुत से या हम लोग मर जाते हैं तो हम लोग के लाश पे बैक्टीरियाओं का जन्म हो जाता है, काफी कीड़ों का जन्म हो जाता है। कुछ तो हमें दिखते हैं अपनी आंखों से, कुछ नहीं दिखते हैं, वो क्या करते हैं उस मृत शरीर पे को खाते हैं और उससे वो एनर्जी पाते हैं, मतलब वो डीकम्पोजर्स अब घटक के श्रेणी में रखे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं। फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो ये भी तीन टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। इनऑर्गेनिक आपके ये रसायन विज्ञान से मान लो अकार्बनिक पदार्थ, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बनिक पदार्थ, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्लाइमेट आप जानते हैं, क्लाइमेटिक जो आपके फैक्टर्स है जलवायवी घटक। अब देखिए जलवायवी घटक होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमें ताप प्रकाश वायु से मिलते हैं, जलवायवी घटक होते हैं। और इस तरह कार्बनिक की बात करें तो कार्बनिक हमें प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट से कार्बनिक मिलते हैं, कार्बनिक है। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो फास्फोरस मृदा ये हमारी इनऑर्गेनिक में आती है। तो इसमें अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको साइंस के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।